इस दीपक को प्रज्वलित करने में किसकी आवश्यकता होती? बाती, घी, सिंगार, बस? नहीं, वास्तविक सत्य तो ये है कि इसको प्रज्वलित करने में वायु का भी योगदान होता है। वायु जो ना केवल हमें प्राण देती है, इस अग्नि को भी प्रज्वलित करने में सहायता करती है। अब देखिए, देखा, जिस वायु ने इस अग्नि को प्रज्वलित किया उसी ने इसे बुझा दी। बस उस वायु की गति तनिक अधिक थी, है ना? अर्थात प्रत्येक भाव का, हर वेग की एक सीमा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। उस सीमा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। अब कभी कभी जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी सहायता करते 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 हम उन्हें दुर्बल बना देते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी इतनी ही सहायता कीजिए कि वो उनके लिए प्रेरणा बन सके, अन्यथा ये सहायता नहीं होगी, ये उनके लिए शस्त्र बन जाएगा। राधे राधे।